2020 के शुरुआत में ही ऑटो एक्सपो हुआ था, जिसमें कई सारी नई नई गाड़ियां देखने को मिली। हर किसी कंपनी ने अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। 2020 में कई सारी नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली थीं और कुछ नई ब्रांड्स भी इंडियन मार्केट में एंटर करने वाली थीं। लेकिन इन ब्रांड्स के एंटर करने के पहले कोरोना एंटर कर गया। लेकिन अब लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है और हो सकता है कि जल्दी ही वैक्सीन्स के जरिए हम कोरोना को हरा भी दें। और यही वजह है कि 2021 में ढेर सारी लगभग 55 से 60 नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें ज़्यादातर SUVs हैं। 2021 में लगभग 40 न्यू SUVs लॉन्च होने वाली हैं। अगर आप 2021 में एक नई SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी अपकमिंग SUVs के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 6 जनवरी को टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। ये गाड़ी 7-सीटर SUVs की किंग रही है। इस फेसलिफ्ट को ग्लोबल मार्केट में काफी पहले ही अनवील कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके ग्रिल्स को, फॉग लैंप्स को, हेडलैंप्स को, हर चीज को चेंज कर दिया गया है। बंपर भी रिडिजाइन कर दिया गया है, नए 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, LED टेल लैंप्स बदल दिए गए हैं, इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस फेसलिफ्ट के साथ साथ आपको इस गाड़ी में एक नया स्पोर्टी और ज्यादा प्रीमियम वेरियंट फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी देखने को मिलेगा, जो ना सिर्फ स्पोर्टी होगा बल्कि उससे ज़्यादा प्रीमियम होगा। इस गाड़ी में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में, जैसे कि बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी, JBL के 9 स्पीकर्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा इस फेसलिफ्ट में नया 2.8 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो ना सिर्फ पहले से ज़्यादा पावरफुल है बल्कि पहले से ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। प्राइसेस की बात करें तो फेसलिफ्ट पहले के कंपैरिजन में 50 से 70,000 रुपए ज्यादा प्राइसेस में लॉन्च होगा। हाल फिलहाल ये गाड़ी लगभग 28.5 लाख से 34.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। दूसरी गाड़ी है मॉरिस गैराजेस हेक्टर का फेसलिफ्ट। ये अगले दिन मतलब कि 7 जनवरी को लॉन्च होगी। इस गाड़ी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, नई ग्रिल है, नए अलॉय व्हील्स हैं, नई सीट अपहोल्स्ट्री है वगैरह वगैरह। पहले से ज्यादा आपको इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन इंजन ऑप्शंस पहले वाले ही होंगे। प्राइसेस की बात करें तो इसका फेसलिफ्ट लगभग 13 लाख रुपए से शुरू होकर 18 लाख रुपए तक का एक शोरूम प्राइसेस में मिल जाया करेगा। सिर्फ इसका फेसलिफ्टेड वर्जन ही नहीं, हेक्टर प्लस जो कि 6-सीटर वेरिएंट है, उसका 7-सीटर वेरिएंट भी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। 7-सीटर हेक्टर फेसलिफ्ट के साथ ही 7 जनवरी को लॉन्च होगी या नहीं, ऐसी तो कोई खबर नहीं है, लेकिन जहां तक है इसे जनवरी में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। 6-सीटर हेक्टर प्लस में बीच में जो कैप्टन सीट्स दी गई हैं, उनकी जगह बेंच सीट्स मिलेंगी जो कि एक दूसरे से मिली हुई होंगी, तो इस तरह से ये गाड़ी 7-सीटर बन जाएगी। ये 7-सीटर वेरिएंट आपको सिर्फ सुपर और शार्प वेरिएंट्स के साथ ही देखने को मिलेगा। अगली गाड़ी है जीप कंपस का फेसलिफ्टेड वर्जन। काफी लंबे समय से इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया गया था, लेकिन अब फाइनली इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है 23 जनवरी को। लॉन्च के पहले 7 जनवरी को इसका डेब्यू किया जाएगा, इसे अनवील किया जाएगा। इंडिया में लॉन्च होने के पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें नए ग्रिल्स दी गई हैं, नए हेडलैम्प्स हैं, बम्पर चेंज कर दिया गया है, नए अलॉय व्हील्स हैं, इंटीरियर में भी 10.1 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, नए पैटर्न के AC वेंट्स हैं और भी कई सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। लेकिन इंजन ऑप्शंस आपको पहले की तरह ही इसमें मिलते हैं, 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन और 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को लगभग 17 लाख से 26 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। अगली गाड़ी है टाटा की 7-सीटर हैरियर, जिसका नाम रखा गया है ग्रेविटास। 26 जनवरी को इस गाड़ी का डेब्यू किया जाएगा और उसके कुछ दिन बाद इसके प्राइसेस रिवील किए जाएंगे, मतलब कि ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी में थर्ड रो ऐड करने के लिए इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ये हैरियर से 63 mm ज़्यादा लंबी है और 80 mm ज़्यादा ऊंची है, ताकि तीसरी रो में बैठे हुए पैसेंजर्स को अच्छी स्पेस मिल सके। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्च होते समय आपको इसका 6-सीटर वेरिएंट देखने को मिले, जिसमें मिड रो में कैप्टन सीट्स दी हुई हो। फीचर्स वगैरह आपको सेम इसमें हैरियर की तरह ही मिलेंगे और हैरियर वाला ही इंजन मिलेगा, 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो उतनी ही पावर 170 bhp और उतना ही टॉर्क 350 nm का जनरेट किया करेगा। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को लगभग 15 लाख से 24 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। पांचवी गाड़ी है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस। ये गाड़ी लॉन्च तो मार्च अप्रैल में जाकर होगी, लेकिन इसे 1 फरवरी को डेब्यू किया जाएगा, इसको अनवील किया जाएगा। सिट्रन एक फ्रेंच ब्रांड है ग्रुप PSA की। ये ग्रुप इंडिया में पहले भी काम कर चुका है, 1997 में छोड़कर चला गया था और अब वापस से इंडिया में एंटर किया है। C5 एयरक्रॉस एक प्रीमियम 5-सीटर SUV है, जिसे 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया और अब फाइनली मार्च या अप्रैल तक ये इंडियन मार्केट में आ जाएगी।
ग्लोबली इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इंडिया में इसे सिर्फ डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा। 2 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा जो लगभग 180 bhp पावरफुल होगा। इसमें 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिला करेगा। फीचर्स के मामले में ये फुली लोडेड होगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक प्रीमियम कार है, इसलिए ये टूसॉन और जीप कंपस जैसी SUVs को कंपटीशन देगी और इसको एक सिंगल प्रीमियम वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसके 3-4 वेरिएंट नहीं मिला करेंगे, इकलौता एक वेरिएंट होगा जिसमें फुली लोडेड फीचर्स होंगे और उस वेरिएंट की प्राइसिंग लगभग 30 लैक्स के आसपास होगी। 6वीं SUV है फोर्ड इको स्पोर्ट का फेसलिफ्टेड वर्जन, जिसे इंडियन मार्केट में फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। काफी लंबे समय से इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया गया था। जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उस सेगमेंट में एक के बाद एक नई गाड़ियां लॉन्च होती चली जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता चले जा रहा है, जिसकी वजह से इको स्पोर्ट का सेल्स फिगर घटता ही चले जा रहा है। लेकिन अब इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च होने वाला है। देखना यह है कि इस गाड़ी की डिजाइन में किस हद तक फोर्ड वाले चेंज करते हैं। इसके अलावा 2022 में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होगी, लेकिन उसके पहले इसका सेल्स फिगर थोड़ा इंप्रूव करने के लिए इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया जा रहा है। वैसे भी अभी हाल ही में इकोस्पोर्ट के वेरिएंट्स में चेंजेस किए गए हैं। इस गाड़ी को लगभग 30-35 हज़ार रुपये सस्ता कर दिया गया है ताकि ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इस फेसलिफ्ट में आपको ना सिर्फ डिजाइन में चेंजेस मिलेंगे बल्कि महिंद्रा का नया 1.2 लीटर एम स्टेलियन पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलेगा जो लगभग 130 PS पावरफुल होगा और 230 Nm टॉर्की होगा। इसके अलावा पहले की तरह 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन तो मिलेगा ही। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो इसे लगभग 8.5 से 12.5 लाख रुपए तक की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। 7वीं SUV है महिंद्रा TUV 300 और 7 सीटर 300 प्लस का फेसलिफ्टेड BS6 वर्जन। 2019 में ही इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था BS4 इंजन के साथ, लेकिन जब BS6 में अपडेट करना था तब से लेकर अब तक इसका इंजन अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन अब फाइनली एक नए फेसलिफ्ट के साथ इसका BS6 अपडेटेड इंजन लॉन्च होने वाला है। इंजन आपको इसमें वही पुराना वाला मिलेगा, 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, लेकिन वो BS6 में अपग्रेड हो चुका होगा। इसके लॉन्च की बात करें तो ये फरवरी में लॉन्च की जाएगी और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो इसे 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। 8वीं SUV है नेक्स्ट जनरेशन फोर्स गुरखा, जिसे इंडियन मार्केट में फरवरी या फिर मार्च में लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी को 2020 में हुए ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था और तुरंत बाद इसे लॉन्च भी किया जाना था, लेकिन कोरोना आ गया, लॉन्च डिले हो गया। इसके अलावा फोर्स की जो दूसरी ट्रेवलर एम्बुलेंस आती है उसकी डिमांड कोरोना की वजह से बढ़ गई और फोर्स वाले उसकी डिमांड फुलफिल करने में लग गए और इसकी लॉन्च को डिले कर दिया। लेकिन अब इस गाड़ी को लॉन्च किया जाना है। इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, ना सिर्फ डिजाइन में बल्कि इसमें आपको काफी सारे एडवांस्ड फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में आपको 2.6 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिल सकता है जो लगभग 90 PS पावरफुल होगा और 260 Nm टॉर्की होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि गुरखा एक्सट्रीम में मिलने वाला 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिला करे जो 140 PS पावरफुल है और 321 Nm टॉर्की है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये मिला करेगी। 4x4 स्टैंडर्ड होगा हर किसी वेरिएंट में। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में इसे लॉन्च किया जाएगा। 9th SUV है नेक्स्ट जनरेशन Isuzu V-Cross। इस गाड़ी को काफी लंबे समय से BS6 में अपग्रेड नहीं किया गया था जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन के साथ इसके अपग्रेडेड इंजन को लॉन्च किया जाएगा। इसकी नेक्स्ट जनरेशन पहले ही थाईलैंड के मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है जो लगभग 188 bhp पावरफुल है और 450 Nm टॉर्की है। इंडियन मार्केट में यही सेम इंजन आता है या कोई दूसरा, ये खबर अभी तक पता नहीं है। फरवरी या फिर मार्च में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो लगभग 17 लाख से 22 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च होगी। 10th SUV है नेक्स्ट जनरेशन मर्सिडीज बेंज GLA। इस गाड़ी को फरवरी या फिर मार्च में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ में। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो लगभग 38 लाख से 45 लाख रुपए तक की प्राइस सेगमेंट में इसे लॉन्च किया जा सकता है। 11th SUV है एस्टन मार्टिन DBX। इस SUV को मार्च में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी में मर्सिडीज सोर्स्ड 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन मिला करेगा जो 550 PS पावरफुल है और 700 Nm टॉर्की है। लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी यूरोस और बेंटेगा जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दिया करेगी। इंडिया में लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए के प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। 12th SUV है नेक्स्ट जनरेशन XUV 500, जिसे मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी में ना सिर्फ आपको डिजाइन में काफी सारे चेंजेस मिलने वाले हैं बल्कि पहले के कंपैरिजन में काफी सारे फीचर्स भी नए मिलने वाले हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको डुअल स्क्रीन्स मिला करेंगी, ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम जैसा प्रीमियम नेक्स्ट लेवल सेफ्टी फीचर मिलने वाला है।
इसके अलावा इस गाड़ी को बनाने में महिंद्रा के साथ साथ फोर्ड के इंजीनियर्स ने भी काम किया है, इसलिए इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स पहले से बेहतर होने वाली है। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा जो लगभग 185 bhp पावरफुल होगा और 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो लगभग 190 bhp पावरफुल होगा। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये लगभग 13 लाख से 19 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो सकती है। 13th SUV है रेनो काइगर। इस गाड़ी को लॉन्च तो मार्च में किया जाएगा लेकिन उसके पहले 28 जनवरी को इसे अनवील कर दिया जाएगा। काइगर सिर्फ दिखने में ही मैग्नाइट से अलग होगी, इसके अलावा बाकी सब कुछ मैग्नाइट वाला ही होगा, फिर वो चाहे प्लेटफॉर्म हो, इंजन हो या फीचर्स हो। मैग्नाइट की तरह ही इसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा विद एंड विदाउट टर्बोचार्जर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ सीवीटी ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया जाएगा। प्राइसेस भी इसके मैग्नाइट की तरह ही होंगे, 5 लाख से शुरू होकर 9.5 लाख रुपए तक की यह गाड़ी मिल जाया करेगी। 14th SUV है टाटा HBX जिसका नाम हॉर्नबिल हो सकता है। ये एक माइक्रो SUV है जो लॉन्च होने के बाद KUV, BMW NXT, Ignis जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दिया करेगी। इस गाड़ी के कंसेप्ट को 2020 में हुए ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। यह टाटा का दूसरा मॉडल है जो अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगा। इसकी डिजाइन, खासकर इसकी फ्रंट प्रोफाइल काफी हद तक इंस्पायर्ड है हैरियर से। इस गाड़ी में आपको दो तरह के पेट्रोल इंजन मिलेंगे, एक होगा टियागो वाला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा होगा नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो लगभग 110 bhp पावरफुल होगा। इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की तो लगभग 4.5 से 7 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च हो सकती है। 15th SUV है महिंद्रा XUV300 का स्पोर्ट्स वेरिएंट, जिसमें महिंद्रा का नया वाला 1.2 लीटर एम स्टेलियन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो लगभग 130 bhp पावरफुल होगा और 230 nm टॉर्की होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाड़ी को स्पोर्टी बनाने के लिए एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे ताकि ये स्टैंडर्ड XUV300 से थोड़ी अलग नजर आए। मार्च या फिर अप्रैल में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की तो 10.5 से 12.5 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च हो सकती है। 16th SUV है जैगुआर F-Pace का फेसलिफ्टेड वर्जन। इस फेसलिफ्ट को ग्लोबल मार्केट में सितंबर में ही अनवील कर दिया गया था लेकिन इंडियन मार्केट में अब आकर ये लॉन्च होगा। अप्रैल में इसके फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है। ग्लोबल मार्केट में इसमें 6 इंजन दिए जाते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों के मिलाकर, जिसमें माइल्ड हाइब्रिड भी हैं, प्लग इन हाइब्रिड भी हैं, लेकिन इंडिया में इस गाड़ी को 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो लगभग 65 to 70 लाख रुपीज की प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च हो सकती है। अगली गाड़ी है स्कोडा की नई मिड साइज SUV जो ऑटो एक्सपो में दिखाए स्कोडा विजन इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगी। मार्च में इस गाड़ी का वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा और उसके अगले महीने अप्रैल में इंडियन मार्केट में ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। स्कोडा की ये पहली मेड इन इंडिया कार होगी। इसमें दो तरह के पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं, एक होगा 1 लीटर जो लगभग 110 bhp पावरफुल होगा और दूसरा होगा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो लगभग 150 bhp पावरफुल होगा। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो लगभग इसे 30 to 35 लाख रुपीज की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगली SUV है फॉक्स वैगन की टाइगुन। ये गाड़ी इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए MQB प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में ये पहले से ही लॉन्च हो चुकी है और बिक भी रही है। अब फाइनली ये इंडिया में आने वाली है। इसे सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा, 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन जो लगभग 113 bhp पावरफुल होगा और 200 nm टॉर्की होगा। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक भी मिला करेगा। अप्रैल या फिर मई में इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है 10 लाख से 16 लाख रुपए के एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बीच में। 19th कार है फोर्ड का रेंजर रैप्टर जो कि एक प्रीमियम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पिकअप ट्रक है। इंडियन मार्केट में इसे सेकंड क्वार्टर में लॉन्च किया जा सकता है। इसे इम्पोर्ट किया जाएगा ना कि यहाँ पर इसे बनाया जाएगा। इसमें मिलने वाला इंजन 213 bhp पावरफुल होगा और 500 nm टॉर्की होगा। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो लगभग 70 से 80 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च होगा। 20th SUV है नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस गाड़ी को मई या फिर जून में लॉन्च किया जा सकता है लगभग 13 लाख से 17 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में। इस गाड़ी में नया लेटर फ्रेम चेसिस मिलने वाला है, पहले के कंपैरिजन में काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो इसको मॉडर्न बना देंगे। इसके अलावा इसमें आपको इंजन भी नए मिलने वाले हैं, 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन जो लगभग 130 bhp पावरफुल होगा और 320 nm टॉर्की होगा। इसके अलावा इसमें पहली बार 2 लीटर एम स्टेलियन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो लगभग 150 bhp पावरफुल होगा और 320 nm टॉर्की होगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी दिया जाएगा। वीडियो काफी लेंथी ना हो जाए इसलिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी आपने पहला पार्ट देखा है, बाकी बची 20 SUVs आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगी।
इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही आपको इसके दूसरे पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।